वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको हमारा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को राजस्थान पुलिस के डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखते रहिए अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है, आपको सिंपली क्या करना है, अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये आपको करेक्ट डालना है, अगर आप रॉन्ग डालते हो तो आपके ये ओपन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको करना क्या है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए अपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। देखने के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार की आने वाले वीडियो की जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टेटस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो प्लीज वेट विल यू रिडायरेक्ट, तो आपके सामने थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपना ये पेज ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्म रिक्वायरमेंट गेट एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आप यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे जैसा कि अपन ने पहले वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप अपना सेंटर एग्जाम लोकेशन पता कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि द एडमिट कार्ड ऑफ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, तो ये अपना 1 नवंबर को आ गया है। और यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि क्लिक हेयर टू नाउ यू डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, तो आप यहाँ पे एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पता कर सकते हो। तो अपने को यहाँ पे अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे 3rd नवंबर पे ऑप्शन आ रहा है गेट एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बता रहा है रिक्वायरमेंट पोस्ट नेम। तो यहाँ पे अपना कॉन्स्टेबल का जो 2019 में अपने एग्जाम फोर्ड नंबर आता है उसका ये बता रहा है 10 फरवरी 2020 जिसकी लास्ट डेट थी। तो आपको यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना। जैसे आप गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और आपको करना यह है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दोबारा अपना एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हो। जैसा कि मैं सैमसंग प्रिंटर है तो मैं इसे अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नए आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।